इंटरप्रिटेशन का देखते हैं इसको, द पाई चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग डिफरेंट ट्रांसपोर्ट टू स्कूल इन विच टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2160। क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम टू स्कूल बाय कार टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम टू द स्कूल बाय बस। सो कार अपॉन बस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो कार का यहाँ पर देखिए कोई डिग्री नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं जानता हूं कि टोटल 360 होता है और इन सब का सम करके अगर मैं माइनस करूंगा और जो भी मेरे पास बचेगा वो कार का ही होगा, तो 120 और 80, 200, सो 290, तो ये जान गया ये कितने का होगा, 360 माइनस 290 70। तो मुझे मालूम चल गया यार कार का 70 है, क्लियर है वाली बात। अब बात और किससे निकाला था, कंपेयर किससे हो रहा था, नंबर स्टूडेंट हु केम टू स्कूल बस। तो बस कितना है, बस इज 90। तो अगर रेशियो देखा जाए तो ये हो गया 7:9, बट 7:9 में तो मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब हम क्या करते हैं, 7:9 है, अब इसके बाद क्या रेशियो बन सकता है, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 7:2 से करूं तो 14 और 18, वो भी कोई नहीं है 14। अगर मैं 3 से करूं तो 21 और 27, क्या मुझे कुछ दिख रहा है 21? हाँ बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन। अगर मैं ऐसे नहीं सोच पा रहा था तो मुझे ये देखना था कि ये सब कार के रेशियो 21, ये 21, 36, तो मुझे ये देखना 7 से कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी नहीं हो रहा, ये ऑप्शन हट गया, ये भी नहीं हो रहा, ये ऑप्शन हट गया। अब फिर मुझे देखना 9 से डिनोमिनेटर कौन कौन से डिवाइड, क्योंकि ये लास्ट ये जो 24, 27 है ये बस वाले हैं। अब मैं 9 से, तो 9 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, और 9 से ये हो रहा है बट ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो यही बचा है, ये 9 से भी हो रहा है 7 से भी, तो मेरा सेकेंड ऑप्शन ट्रू होगा, क्लियर।